भले ही उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है, पर यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके चचेरे भाई और बीजेपी से सांसद वरुण गांधी की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके चचेरे भाई और बीजेपी से सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को केदारनाथ मंदिर के दर्शन के दौरान संक्षिप्त मुलाकात की। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने पवित्र मंदिर के बाहर संक्षिप्त मुलाकात की और एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मुलाकात बहुत छोटी और गर्मजोशी भरी थी। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी इस दौरान वरुण की बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वैसे दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात नहीं होती, लेकिन उनके अच्छे संबंध हैं। दरअसल दोनों भाइयों की सार्वजनिक रूप से मुलाकात बहुत कम देखी गई है। देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात ने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज कर दी हैं। संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी को हाल के महीनों में भाजपा की प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय पार्टी से अलग रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के केदारनाथ में थे, जबकि वरुण गांधी ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ केदारनाथ का दौरा किया। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद से वरुण गांधी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में किसके साथ होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस समय इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।